क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एमपी विश्वकर्मा है और मैं यहाँ पर अभी लोकसभा और विधानसभा का प्रत्याशी हूँ राष्ट्रीय जनता पार्टी से। मेरा चुनाव चिन्ह जूता, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ अभी। थोड़े आप खड़े हो जाएंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है जूता। अब जो करता भ्रष्टाचार, मारो उसको जूते चार। अच्छा, अब जो करता बलात्कार, कर दो जूतों की बौछार। अच्छा, तो कैसे समर्थन मिल रहा है आपका जनता? मैं लोकसभा जीत रहा हूँ 101%। मैं गांव में घुमा और गांव की जो स्थिति मैंने देखी, मूलभूत सुविधा, बिजली, रोड, पानी नहीं है, लंबे लंबे वादे किए गए 2 लाख माफ़ करेंगे, कहीं बोला गया कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, पूरे किसान, गरीब, मजदूर सब त्रस्त हैं। इस बार छिंदवाड़ा की जनता अच्छा सबक सिखाएगी और एक नया परिवर्तन लाएगी। नया परिवर्तन लाएगी। तो आप इससे पहले क्या करते थे जब आप राजनेता नहीं थे तो? मैं इसके पहले कोल माइंस में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर था और 2010 में रिटायर हुआ। मैंने यहाँ पर देखा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज के इन्होंने यहाँ की 40 कोयला खदान बंद किए, सिंगोड़ी पावर हाउस का ऐलान किया था 30 साल पहले, सिंगोड़ी पावर हाउस नहीं बना। आज यहाँ पर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है और रोजगार के कोई साधन नहीं है। जो गरीब मजदूर भाई लोग हैं, इनको शिक्षा का भी कोई साधन नहीं है। जितने सरकारी स्कूल हैं, इनमें 8वीं तक सबको पास कर दिया जाता है, 9वीं में उनकी नींव कमज़ोर होने के कारण बेचारे फेल हो जाते हैं। वो 9वीं पास भी नहीं होते, चपरासी भी नहीं बनते। हमने और हमारी पार्टी ने कहा है, जितने भी प्राइवेट स्कूल कॉलेज हैं, इनका राष्ट्रीयकरण करो। गरीब के बच्चे, चाय बनाने वाले के बच्चे, पकौड़ा बेचने के बच्चे भी एसपी, डीएसपी, कलेक्टर बन सकें। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला, समान शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा कलेक्टर, एसपी, डीएसपी के बच्चे को मिलती है, वही शिक्षा गरीब के बच्चे को मिलना चाहिए, वो भी एसपी, डीएसपी, आईएएस बन सकेंगे। अच्छा, तो ये आपकी पार्टी के अध्यक्ष कौन है अभी? मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, शरद सिंह कुमरे हमारे राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कितने सदस्य हैं आपकी पार्टी के? कहाँ पर? प्रदेश में। प्रदेश में लगभग 2 लाख सदस्य हमारे बन चुके हैं। आपके 2 लाख सदस्य बन चुके हैं। फंड कंपनी का जो घोटाला हुआ, केंद्र और प्रदेश शासन की मिलीभगत से प्रदेश के अरबों खरबों का घोटाला, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है चिटफंड घोटाला, जिसमें छिंदवाड़ा की केवल बात करें, 180 करोड़ की जब्ती कार्रवाई यहां पर पुलिस से हो चुकी है, जिसमें गरीब के खून पसीने की कमाई है, सरकार की मिलीभगत से पैसा उसमें जमा किया गया। आज वो कंपनियां यहां से भाग गई, उनका पैसा डूब गया। मैंने कहा है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो उनके सारे पैसे मैं वापस करूंगा। उनके वापस पैसे कराएंगे चिटफंड घोटाला। तो और किस किस चीज़ों पे जूते मारेंगे आप अगर निर्वाचित होते हैं? सबसे बड़ी चीज़ जो है बेरोजगारी, बेरोजगारी का साधन यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। और जो भ्रष्टाचार है वो हमारी सुविधा है, हम जानते हैं कि उस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करना है, हमने किया भी है। जब से 4 साल से हमने छिंदवाड़ा में काम करना शुरू किया, लगभग 12-15% 20% तक भ्रष्टाचारी कम हुई है। जिस कार्यालय में, ऑफिस में हम जाते हैं, वहाँ पर बगैर पैसे लिए दिए काम होते हैं गरीबों के। ये यहाँ पे एमपी विश्वकर्मा जी हैं और आपकी पार्टी का नाम? राष्ट्रीय आमजन पार्टी। राष्ट्रीय आमजन पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह जूता है, उसके ये प्रत्याशी हैं। लोकतंत्र का एक रंग ये भी है। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।